नेशनल टीवी पर अंकिता की सासू माँ ने मारा ताना, कहा विक्की को पैर से मार रही हो, चप्पल फेंक कर मार रही हो, बहुत गंदा लग रहा है। जी हाँ, जैसा कि टेलीटॉक ने आप सभी को किया था अपडेट कि वीकेंड के वार में अंकिता और विक्की की बॉम्ब पहुंचेंगी दोनों के बिगड़ते रिश्तों को सुलझाने के लिए, और जब दोनों हुए आमने सामने तब अंकिता की सासू माँ ने जी भर कर की बात, यहाँ तक कि अंकिता की सासू माँ ने अंकिता की मॉम को भी बीच बीच में बोलने से रोकती नजर आई। आखिरकार बिग बॉस को भी बीच में बोलना पड़ा कि अंकिता की मॉम को भी बोलने दीजिए। दरअसल जब अंकिता की सासू माँ और माँ पहुंचे तब दिखा इमोशनल मोमेंट, जहां विक्की और अंकिता की आंखों से छलक पड़े आंसू, और जब बातें शुरू हुई तब अंकिता की सासू माँ ने अंकिता पर तंज कसते हुए कहा कि हम लोग जब घर में साथ में बैठकर देख रहे होते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, विक्की और तुम्हारी लड़ाई घर में कभी नहीं हुई, यहाँ कितनी गंदी लड़ाई हो रही है, बताओ अंकिता पैर मार रही है, चप्पल उठाकर फेंक रही है, बहुत गंदा लग रहा है। वहीं अंकिता सासू माँ की ये बात सुनकर विक्की से कहती है कि चप्पल फेंक कर कब मारा, जिस पर विक्की अंकिता को संभालते हुए नजर आए। वहीं अंकिता और विक्की की मॉम ने अंकिता और विक्की को समझाया और कहा कि ताली दोनों हाथ से बजती है, दोनों संभाल लो, अभी भी वक्त है, जिसके बाद अंकिता और विक्की ने बिग बॉस को किया तहे दिल से शुक्रिया दोनों की मम्मियों से बात कराने और उनके ज्ञान के लिए, और दोनों ने मम्मियों से किया प्रॉमिस और कहा कि आप लोग चिंता ना करें, हम दोनों अब आपको प्राउड फील कराएंगे। वहीं जब इस पूरे बातचीत के बाद अंकिता की मॉम और विक्की की मॉम बाहर निकलने लगे तब अंकिता की मॉम विक्की की मॉम से ये कहती नजर आई कि आप तो ऐसे बोल रही थी कि मुझे बोलने ही नहीं दिया। वहीं मॉम और सासू मॉम के समझाने के बाद शो में दिखा विक्की और अंकिता का क्यूट मोमेंट भी।